हेलो डियर स्टूडेंट्स जय हिंद गुड मॉर्निंग सुप्रभात एंड यू ऑल वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल लाइव क्लासेस डियर स्टूडेंट्स टुडे इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फोर्थ इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर इंडिया एंड आवर मदरलैंड आवर ओन कंट्री इंडिया हिंदुस्तान भारत सो फर्स्टली टूडे वी आर आर गोइंग टू चैंट नेशनल एंथम जनगणमन देन आई विल स्टार्ट माई द हिंदू डेली न्यूज पेपर रीडिंग सेशन तो ओके ऑल स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम प्लीज स्टैंड अपार्ट करते हैं 的。 के नाओ जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय के जह डियर स्टूडेंट्स आज हम सब लोग अपना चौहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उस अवसर पर हम सब लोगों ने सबसे पहले अपने नेशनल एंथम को चैंट किया अब यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा हम सब एक स्टूडेंट हैं हम सब एक छात्र हैं तो जैसे जीवन में एक किसान होता है एक राजनेता होता है एक छात्र होता है वह कुछ भी कहीं करता है देखता है तो किसान अपने ज़रूरत की बात उसमें ढूंढता है छात्र नेता या राजनेता अपने नेता से संबंधित बात ढूंढता है उसी तरह से अगर कोई अध्यापक या कोई छात्र होता है तो वह कोई भी चीज़ देखता है तो हमेशा सबसे पहले उसमें अपने लिए कंपटीशन की बात ढूंढता है तो बच्चों सबसे पहले हम कंपटीशन की यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दें कि हमारे लिए यहाँ पर दो वर्ड होता है एक होता है सिंग और एक होता है चैंट हमेशा ध्यान रखिएगा सिंग का जो प्रयोग होता है ये गाना है लेकिन ये जो गाना है ये सॉन्ग के लिए आता है सॉन्ग के लिए और ये जो चैंट होता है ये भी गाना होता है लेकिन इसके लिए हम सब जो प्रयोग करते हैं कोई जैसे अपने आप में नेशनल एंथम हुआ राष्ट्रीय गीत हुआ या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जो भी पायस सॉन्ग्स होते हैं पवित्र गीत होते हैं या कोई मंत्र होते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले किसका करते हैं हम लोग हम लोग सबसे पहले उनके लिए प्रयोग करते हैं <coughs> चैंट का इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे कहा जाए वी ऑल आर वी ऑल आर रेडी टू समथिंग समथिंग नेशनल एंथम अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए और यहां पर जो समथिंग समथिंग है यहां पर मैं ऑप्शन में आपको ए नंबर दे दूं सिंग और बी ऑप्शन दे दूं चैंट तो आप ये ध्यान रखेंगे यहां पर जो आपका राइट right आंसर होगा वो क्या होगा चैंट ठीक है लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे दू वी आर आर वी आर आर रेडी टू समथिंग समथिंग नेशनल एंथम मान लेते हैं कि यहां पर ऑप्शन मैं आपको दू सिंग प्रोड्यूस प्रोड्यूस सॉन्ग से मतलब इस तरह का अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो यहां पर देखिए बच्चों चैंट हमारे पास ऑप्शन में नहीं आया चैंट नहीं आया तो नाउ योर राइट आंसर इज ए यानी अगर सिंग और चैंट ऑप्शन में दोनों आएगा तो पहली प्राथमिकता <coughs> पहली प्राथमिकता आप किसको देंगे चैंट को देंगे लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास चैंट नहीं आता तो सिंग को भी आप प्रिफर कर सकते हैं राइट डाउन दिस इंफॉर्मेशन नोट डाउन ये आपको ध्यान रखना है चलिए तो ये रहा आज का एपिसोड का एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको राष्ट्रीय गीत से संबंधित अब चलते हैं हम लोग अपने द हिंदू न्यूज़पेपर सेशन पर आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर सेशन है और हम लोग चलेंगे सीधे एडिटोरियल पर पेज नंबर सेवन पर पेज नंबर सेवन और आज का जो हम एडिटोरियल लेंगे ये फर्स्ट एडिटोरियल जैसा कि आप सब देखते हैं हमारे पास एक पेज पर दो एडिटोरियल होता है एक सबसे पहला हमारा है आज के पास ऊपर गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी ये विदेशी नीति से रिलेटेड है हम लोगों को इस पर नहीं डिस्कस करना है हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे दूसरा डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी नीड्स एंड इंटरनेट ओमबोट्स मैन इसी पैसेज को हम लोग डील करने चल रहे हैं डेमोक्रेसी नीड्स एंड इंटरनेट ओम्बोट्स देखिए इस पैसेज के तहत लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में वर्तमान समय पर इंटरनेट की ओमबुट्स की जरूरत है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस वर्ड्स को समझ लेते हैं कि आखिर ये ओमबुट्स है क्या अच्छा वर्ड है बच्चों वन वर्ड एप्टी में ये कई बार एग्जाम में आ चुका है हमारे <coughs> तो इसको आप समझिए पहले कि आखिर ओम्बुट्स होता क्या है ओमबुट्समैन को बच्चों ऐसे हिंदी में कहते हैं लोकपाल या इसी को कहते हैं जन लोकपाल या सिंपल से कह सकते हैं लोकपाल अब आप ये सोचेंगे कि आखिर लोकपाल कौन है लोकपाल होता है अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू हियर टू हियर पब्लिक ग्रीवासेस पब्लिक ग्रीवान्सेस एंड कंप्लेन्ट्स अगेंस्ट मेल प्रैक्टिसेस, अगेंस्ट मेल प्रैक्टिसेस. अब होता क्या है एक व्यक्ति जो नियुक्त होता है सुनने के लिए पब्लिक ग्रीबॉन्सेस पब्लिक लोगों की सिकवा और शिकायत ग्रीबॉन्स लोग बोलते हैं ना सिकवा नहीं किसी से शिकायत नहीं किसी से गिला भी नहीं तो कई चीज़ें हैं सिकवा शिकायत गिला तो ग्रीबॉन्स एंड कंप्लेंट्स जैसे हम लोगों के मन में बहुत सारे ग्रीबॉन्सेस होते हैं कभी कभी बट किससे कहूँ कहाँ कहूँ कोई सुनने वाला नहीं है बहुत सारी हमारे पास शिकायतें भी होती हैं चलिए शिकायत है हमारे पास बिजली विभाग से संबंधित है बिजली विभाग के ऑफ़िसर को आप दे दीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से है अगर वाटर डिपार्टमेंट से है तो आप वाटर डिपार्टमेंट को दे दीजिए अगर आपके पास पुलिस से रिलेटेड है तो पुलिस डिपार्टमेंट को दे दीजिए लेकिन वास्तव में पुलिस की शिकायत अगर पुलिस के पास जाइए भाई आप आइए शिकायत करने मेरी और मुझसे आप मेरे पास आइए बोलिए सर आपकी ये आदत बहुत ख़राब है तो मैं बोलूँगा तुम बहुत होशियार हो मतलब तुम हम पर उंगली उठाने आए हो क्या तुम अपने पर नहीं देख सकते यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसी विभाग की शिकायत उसी व्यक्ति को अगर आप देंगे तो डेफिनेटली कभी भी अपना बेटा किसी को बुरा नहीं लगता है वो अपनी शिकायत को बहुत बहुत सीरियसली टैकल करने का कार्य नहीं करेगा ठीक है अगेंस्ट मेल प्रैक्टिस मेल प्रैक्टिस मतलब जो हमारे यहां गलत प्रचलन है वो चाहे करप्शन हो या एनी काइंड ऑफ समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट या किसी भी प्रकार की कोई चीज हो जो अपने आप में अनप्लीजेंट होती है वो मेल प्रैक्टिस है अब एक बात और ध्यान रखिएगा यहां जो आप शिकायत करते हैं बात यही हमारे यहाँ भाई अन्ना आंदोलन हमारे यहाँ बहुत फेमस था ठीक है ना अगर आप देख सकते हैं कि उनका एक एक ही केवल मांग थी लोकपाल और वो चाहते थे कि लोकपाल के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर को भी लाया जाए यहाँ पर पीएम भी आए चीफ मिनिस्टर भी आए ठीक है ना पीएम सीएम सब आए अगर हमको शिकायत हो पीएम से सीएम की तो हम पीएम सीएम की भी शिकायत ओम से कर सकें अगर हमको ज़रूरत हो शिकायत हो अगर हमको मान लीजिए कि डीएम की शिकायत हमको करना है हमको एसपी की शिकायत करना है तो किससे करूं जिले का तो सबसे मालिक सबसे बड़ा अधिकारी कौन है ठीक है टॉप लेवल ऑफिसर इज़ डी अब अगर हमको इसकी कम्प्लेंट करना है तो इसकी कंप्लेंट हम किससे करेंगे अब हमारी चीफ मिनिस्टर से तो सोर्स है नहीं और दूसरी बात कि अब इनका इन्होंने ही नियुक्ति किया है तो ऐसे कंप्लेंट के शिकायत के लिए जो नियुक्ति की बात की गई थी थी वो ओम्बुट्समैन जन लोकपाल कि जो जनता की शिकायत सुनेगा किसी के भी खिलाफ लेकिन बस ये है कि दुर्भाग्य हमारे यहाँ <coughs> लागू नहीं हुआ और किसी तरीके से लागू भी ये हुआ लेकिन डिस्टॉर्टेड तोड़ मोड़ के 2014 का बहुत बड़ा मुद्दा था बट करेंटली ये मुद्दा लागू है बट इसके अंतर्गत वो सभी ऑप्शंस नहीं दिए गए ये शिकायत तो सुन सकता है लेकिन ये सुनने के बाद फिर अगेन आपके मैटर को उसी डिपार्टमेंट को दे देगा तो फिर उसका कोई विशेष प्रॉफिट नहीं है ठीक है तो ये है हमारा ओमबुट्समैन से रिलेटेड तो डेमोक्रेसी को आवश्यकता है इंटरनेट ओमबुट्समैन यानी यहाँ पर जो राइटर हैं राइटर का ये कहना है कि अब इंटरनेट ओमबुड्समैन की आवश्यकता है वर्तमान समय में बच्चों अगर आप देख लीजिए तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तो ऐसा लगता है जैसे भारत में या हमारे देश में गृह युद्ध चल रहा है किसी भी मुद्दे पर अगर आप देख लीजिए तो टोटली लोग हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो एक एग्री होना चाहिए वो सब डिसएग्री हैं और ऐसे लगता है जैसे लड़ाई चल रही है जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पर बगल बगल घर वाले लोग भी एक दूसरे को गाली दे लेते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो नमस्ते भैया भी करते हैं तो वही इनका कहना है कि इंटरनेट टोम्बुट्समैन की आवश्यकता है <coughs> आगे देखिएगा देयर मस्ट बी अ गेट कीपर यहाँ पर मस्ट लगा है मस्ट का मतलब निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर चाहिए अ गेट कीपर गेट कीपर दरवाजे पर जो देख रेख करे टू बैलेंस संतुलित करने के लिए एपिटीट्स एपिटीट्स होता है बच्चों भूख ए पी पी ई टी आई टी ई भूख को फायर टेक्नोलॉजी तकनीकी सिक्योरिटी सुरक्षा एंड प्राइवेसी और निजता यानी कि तकनीकी सुरक्षा और निजता की भूख को संतुलित करने के लिए यहाँ एक गेट कीपर की आवश्यकता है और वो गेट कीपर के रूप में कौन चाहिए ओमबुट्स मैन की यहाँ आवश्यकता है कहने का मतलब भैया आज इंटरनेट पर कही न कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी के कारण हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा और हमारी प्राइवेसी निजता इन सभी चीज़ों का हनन हो रहा है भाई कहीं ना कहीं आप देखिए कि आज आधार कार्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है महत्वपूर्ण हमारा डेटा है अब इंपॉर्टेंट डेटा है अब कहीं ना कहीं अगर आधार कार्ड लीक हो जाए तो हमारी प्राइवेसी हमारा निजता का तो अधिकार चला गया इस पर बच्चों मुद्दा भी हुआ था क्या प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार है इज प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट यानी निजता क्या मौलिक अधिकार है भाई हम अपनी प्राइवेट अपनी जो निजता है वो नहीं बताना चाहते ये हमारा मौलिक अधिकार है इस पर हम चाहें तो आपको कोई भी डेटा देने से मना कर सकते हैं और इसी के आधार पर दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मार्कशीट या अन्य चीजों को देने से मना किया था क्योंकि ये उनकी प्राइवेसी ये उनकी निजता का अधिकार था देखिए आगे अब पैसेज पर चलते हैं इन एनी इन एनी ट्रैंगल ऑफ रिलेशनशिप इन एनी किसी भी ट्रैंगल त्रिकोणीय ऑफ रिलेशनशिप एंगल इस पर बच्चे खूब कन्फ्यूज़ होते हैं जैसे हमारी कोचिंग पर ही कन्फ्यूज़ होते हैं हमारी जो कोचिंग है वो है एनजल लाइव क्लासेस ए एन जी ई एल बहुत सारे बच्चों इसको बना देते हैं एंगल वो कोण वाला बना देते हैं ये कोण है बच्चों और ये एंजल है ये एंजल है और ये एंगल है यहाँ जी को ज जा पढ़ा जाता है यहाँ जी को ग पढ़ा जाता है तो इन एनी ट्रायंगल किसी भी त्रिकोणीय ऑफ रिलेशनशिप संबंध के किसी भी संबंध के त्रिकोणीय में ट्रस्ट भरोसा इज द फर्स्ट कैजुअलिटी भरोसा सबसे पहली दुर्घटना है देखिए लेखक क्या कहना चाह रहा है लेखक कह रहा है किसी भी त्रिकोणीय संबंध में भरोसा सबसे पहली दुर्घटना है यानी दुर्घटना आपके साथ तभी होगी अगर आप भरोसा करेंगे अब भरोसा आप करेंगे ही नहीं तो आपके साथ दुर्घटना होगी ही नहीं सही बात भी है भाई दिल उसी का टूटता है जो दिल लगाता है भरोसा उसी का टूटता है जो भरोसा करता है ठीक है ना सौभाग्य दुर्भाग्य उसी का आता है जो भाग्य पर विश्वास करता है जो भाग्य पर ही विश्वास नहीं करता जो दिल ही नहीं लगाता जो दिमाग ही नहीं लगाता जो भरोसा ही नहीं करता तो उसके साथ कहाँ से कैजुअलिटी होगी वो तो पहले ही अपने आप में सेल्फ रिलायंट है आत्मनिर्भर है कि जो करना है मुझे करना है अकेले करना है किसी पर मुझे ट्रस्ट नहीं करना है तो लेखक वही कहना चाह रहे हैं कि, कि किसी भी त्रिकोणीय संबंध में सबसे पहली दुर्घटना भरोसा होती है अब लेखक का देखिए एडिटोरियल पढ़ने का मतलब क्या थॉट डेवलप होता है अब देखिए यहाँ लेखक एक थॉट डेवलप कर रहा है भाई आज तक <coughs> हम लोगों ने तो यही समझा था कि भरोसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है भरोसा ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इन एनी वन लाइफ किसी के जीवन में भरोसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम तो यही जानते थे बट आज भरोसा सबसे बड़ी दुर्घटना है ऐसा लेखक कहना चाह रहा है आगे देखिएगा इन द इंटरप्ले इन द इंटरप्ले ठीक है ना इंटरप्ले अब इंटर कहीं भी लग जाता है तो वहां एक दूसरे से का सेंस आता है और यहां पर प्ले है ठीक है दिख रहा है मैंने जूम किया हुआ है बच्चों ध्यान से आप देखिए थोड़ा सा आप वीडियो को <coughs> 240 पर भी चला लेंगे तो भी अच्छा दिखेगा बाकी 360 सिक्सटी पिक्सल पर अगर आप चलाते हैं तो ये बढ़िया होता है ब्राइटनेस बिल्कुल कम है आदित्य ब्राइटनेस इज जीरो जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल जीरो है तो देखिए आगे समझिएगा इन द इंटरप्ले आपसी खेल में बिटवीन द गवर्नमेंट देखिएगा दो लोगों के बीच में बिटवीन आ रहा है बिटवीन आपसी खेल में बिटवीन गवर्नमेंट सरकार के और कौन कंपनी के एंड सिटीजन्स और नागरिक के देखिए यहाँ पर दो चीज़ किया है गवर्नमेंट और कंपनी को एक साथ ले लिया है और बिटवीन के साथ क्या आता है एंड आता है यानी यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर जो राइटर है उसने थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग किया है बच्चों अब देखिए एडवांस इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग क्या किया है जैसे हम लोग तो यही जानते हैं कि जो बिटवीन का प्रयोग होता है वो दो के लिए होता है जैसे मैं कहूँ बिटवीन राम एंड श्याम बिटवीन राम एंड श्याम तो यहां मैंने बिटबीन का जो पेयर लगाया एंड लगाया और दो लोग हैं राम और श्याम अब उसने क्या किया है उसने यहां पर दिमाग लगाया थोड़ा सा लिखा है बिटबीन राम श्याम एंड मोहन राम श्याम एंड मोहन तो यानी देखिए बिटबीन दो के लिए आता है तो बिटबीन के साथ एंड आता है तो उसने एंड तो लगाया लेकिन यहाँ इन दोनों को एक माना और एक दूसरा इसको माना तो एक कौन है राम श्याम है दूसरा कौन है मोहन है तो उसी को यहाँ पर एग्जामिनर ने लिखने का प्रयास किया है कि इस आपसी खेल में अब आपसी खेल किसके किसके बीच चल रहा है बिटबीन गवर्नमेंट और कौन कंपनीज कंपनीज एंड सिटीजन्स नागरिक सिटीजन्स नागरिक तो एक आपका गवर्नमेंट और कंपनीज को उसने क्या किया एक साथ मान रहा है और सिटीजन्स को क्या कर रहा है दूसरा मान रहा है इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आगे इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जामिनर ढूंढता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट कंपनीज एंड सिटीजन लगा है संख्या दो से ज़्यादा है काम करो बिटबिन को उठा के एमंग या एमिड कर दो क्योंकि एमंग एमिड या एमिडस्ट या एमंगस्ट का प्रयोग मोर देन टू के लिए होता है और बिटबिन का प्रयोग ओनली के लिए होता है तो थोड़ा सा बच्चों अलर्ट रहिएगा इस बात से देखिएगा बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी और नागरिकों के बीच का आपसी खेल फॉर बिग डेटा बिग डेटा फॉर के लिए और किस किस चीज के लिए देखिए मैंने आपसे बोला है कि जब वो कॉमा या हाइफ़न लगाता है तो इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता जाता है फॉर बिग डेटा बड़े बड़े आंकड़ा के लिए इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सूचना एसिमेट्री अब देखिए अगर बच्चों यहाँ पर ए हटा दीजिए तो ये सीमेट्री है यस वाई यम एम ई टी आर वाई ये सीमेट्री होता है सीमेट्री दो होता है एक एस से बना होता है एस वाई <coughs> ये जो दिया है एम एम ई टी आर वाई ये सीमेट्री होता है समरूपता समरूपता और एक सिमेट्री होता है सी ई एम ई टी आर वाई सिमेट्री ये होता है कब्र कब्र बस सी और एस का अंतर है और किसी भी वर्ड्स के पहले जब हम उससे पहले प्रफिक्स के रूप में ए एन लगा देते हैं तो ए एन लगाने से वो वर्ड निगेटिव हो जाता है और ए सीमेट्री अगर आप बना देंगे तो ए सीमेट्री मतलब क्या हो जाएगा विषमता समरूपता नहीं विषमता क्योंकि समानता थी और अब हो जाएगा तो सूचना विषमता यानी इंफॉर्मेशन ठीक है एसीमेट्री हैज बिकम हो चुका है अब देखिए यहां पर आपका जो मेन वर्ड था मेन वर्ड क्या था इन द इंटरप्ले बिटवीन द गवर्नमेंट कंपनीज एंड सिटीज एंड सिटीजन फॉर द बिग डेटा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री यानी सूचना बिसमता हैज बिकम हो चुका है सो इसक्यूड शो ठीक है ना सो so के साथ दैट आता है इतना की इतना की जब सो so के साथ जैसे मैं कहूं ना कि आप इतना थके हैं कि आराम करना चाहिए यू आर सो टायर्ड दैट यू शुड टेक रेस्ट तो वही सो डॉट डॉट दैट है ठीक है और ये हमेशा इंफेसाइज करता है अब सो so और सो so दैट का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा देखिए अगर सो डॉट डॉट दैट है तो ये रीजन और रिजल्ट बताता है इतना डॉट डॉट की इतना डॉट डॉट की आप रीजन और रिजल्ट बताएंगे अब अगर एक कंजंक्शन ये होता है और दूसरा ये होता है कि अगर आप एक साथ लगा देंगे सो so दैट तो सो so दैट और इसका सब्सटीट्यूट क्या हो सकता है इन ऑर्डर दैट ये कंजंक्शन ऑफ पर्पज होता है यहां इसके बीच में आप कोई शब्द नहीं लगा सकते और इसका अर्थ होता है ताकि ताकि या सीधे आप कह सकते हैं कंजंक्शन ऑफ परपच कंजंक्शन ऑफ परपच अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सो डैट और सो डॉट डॉट दैट तो सो so दैट अगर एक साथ आता है तो वो कंजंक्शन पर्पज है ताकि और अगर सो और डेट के बीच आप डॉट डॉट करके समथिंग कर देते हैं तो वो चीजें को इम्फेसाइज करता है और फिर रिजल्ट को दिखाने का कार्य करता है ठीक <coughs> है यानी सूचना विषमता हैज बिकम हो चुका है सो so स्क्यूड अब यहां पर जो इश्क्यू इश्क्यू का मतलब क्या होता है किसी चीज में तोड़ मोड़ करना डिस्टॉर्ट जिसे मैंने पहले बोला इतना ज्यादा तोड़ मोड़ कर चुका है सो स्क्यूड दैट कि इट हैज इरोडेड इरोड इरोड होता है धीरे धीरे नष्ट होना कि इसने क्षरण कर दिया है द वेरी स्प्रिट बहुधा भावना को वेरी स्प्रिट बहुधा यानी बहुधा भावना को ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के कि लोकतंत्र के भावना को इसने गिरा दिया है बाई लिमिटिंग सीमित करते हुए सीमित करते हुए द अनबायस्ड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज अनबायस्ड बायस्ड होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित और अनबायस्ड होता है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो यानी अनबायस्ड कम्युनिकेशन बिना किसी पूर्वाग्रह के संप्रेषण से ऑफ आइडिया विचारों के यानी विचारों के बिना किसी पूर्वाग्रह के संप्रेषण को सीमित करते हुए इसने लोकतंत्र की बहुधा भावना को इरोड कर दिया है गिरा दिया है नष्ट कर दिया है ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं आगे देखिएगा गवर्नमेंट भाई देखिए वर्तमान समय में आप देख सकते हैं ना भाई देखिए जैसे मैं दो तरह की मैं बात करता हूँ इसी को कहते हैं जैसे मिग्लोमोनिया इस पर पैसेज भी एग्जाम में आ चुका है मैं चाहता हूँ ईगोइस्ट और इगोटिस्ट यही फ़र्क होता है मैं चाहता हूँ कि या तो आप मुझे बोलने दीजिए और मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो आप बोल लीजिए लेकिन मेरे बारे में बोलिए ऐसा नहीं कि फिर किसी और के मुद्दे में तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि वर्तमान समय में देखिए कि कुछ हमारी डेमोक्रेसी हमारी मीडिया या हमारे अन्य जो गवर्नमेंट हैं <coughs> ठीक है मैं विचारों को थोप नहीं रहा हूँ बच्चों आप पर मैं विचार बता रहा हूँ आइडियाज आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है कि इनका ये पर्पज़ है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जब बात करूँ तो मुद्दे क्या होंगे मैं डिसाइड करूँगा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास आया और आपने प्रश्न पूछना शुरू किया और मैं अपने अकॉर्डिंग जवाब दूंगा अमेरिका नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पन्ने लेकर आना पड़ेगा मीडिया के सामने पेज दिखा दिखा के जवाब देना पड़ेगा हमारे यहाँ अगर आप नेता बन जाएंगे ना तो प्रधान भी मीडिया वाले को सेट कर लेता है कौन सा कैमरा आएगा कैसे न्यूज होगा और न्यूज़ वाला पहले ही मांग लेता है कि न्यूज क्या छपना है भैया लिख के दे दो तो आप लिख के दे देंगे और वो वही छापेगा और प्रश्न यानी कहने का मतलब प्री स्क्रिप्टेड होता है ऐसा लेखक का कहना है चलिए आगे देखिएगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट सरकार सरकार और प्राइवेट कंपनीज निजी कंपनियां आर यूजिंग प्रयोग कर रही हैं द इंटरनेट इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं यानी सरकार और निजी कंपनियां इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं एज अ मींस ऑफ मींस ऑफ ये मीन का मतलब यहां बच्चों समझिएगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें यश या यश लगाने पर उनका अर्थ बदल जाता है जैसे अगर आप बात करिए मीन तो मीन का जो अर्थ होता है मतलब मतलब और जो मीन्स होता है इसका अर्थ होता है साधन इस पर अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं क्वेश्चन अब जैसे मैं लिख रहा हूं कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं एज आ मीन्स ऑफ एज अ मीन्स ऑफ अगर अभी यही क्वेश्चन पूछ लीजिए तो कुछ बच्चे पता है क्या लॉजिक लगा देंगे मीन्स एक नाउन है जो अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल नंबर के पहले आर्टिकल एन नहीं आता है यानी वो या तो ए को हटा देंगे और या तो फिर इसमें लगे हुए ऐसे ही बोलेंगे आर्टिकल ए एन लगा है इसलिए नाउन प्लोरल नहीं होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो ऐसी गलती आप मत करिएगा बच्चों एज मीन्स ऑफ सही है ऑफ़ का मतलब एक साधन के रूप में एक माध्यम के रूप में प्रयोग करती हैं यह साधन है या माध्यम है ऐसा आप कहेंगे साधन या माध्यम ठीक है ऐसी गलती नहीं करेंगे ना बोलिए चलिए आगे बढ़ते हैं प्रयोग कर रही हैं एज अ मींस एक माध्यम के रूप में आफ कंट्रोल नियंत्रण के एंड सर्विलांस और सर्विलांस ठीक है ना सर्विलांस मतलब जासूसी करना भाई सर्विलांस आज एक बहुत बड़ी जासूसी हो गई भाई कैमरा आप लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं वो सर्विलांस है लेकिन वो आपकी जासूसी करता है यानी इंटरनेट का प्रयोग कर रही हैं नियंत्रण और सर्विलांस यानी सर्वेक्षण जासूसी के साधन के रूप में कर रही हैं फिर क्या है एक्सटेंडिंग बढ़ाते हुए फ्रॉम केसेस मामलों से आप फ्रॉड डिटेक्शन फ्रॉड डिटेक्शन फ्रॉड मतलब बेईमानी और डिटेक्शन मतलब खोजना डिटेक्ट है खोजना ठीक है यानी फ्रॉड बेईमानी की चीज़ों को खोजने के मामलों को बढ़ाते हुए वह इंटरनेट को एक साधन के रूप में सूचना को नियंत्रित करने और सर्विलांस के रूप में प्रयोग कर रही हैं भाई सीधी सी बात आप समझिए अगर मुझे आपकी पर्सनल चीज़ें भाई मान लीजिए कि मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ या आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आप किसी के फ़ोन को टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है अगर उसका फ़ोन रिकॉर्ड कर लेंगे तो पता चल जाएगा ना वो किससे किससे बात करता है कहाँ कहाँ पैसा सेटल करता है किस किस में रखा है तो आपको फ़ोन टेप करना पड़ेगा अब आप इंस्पेक्टर बन जाइए तो वहाँ पर तो आप चाहिए तो किसी को बस अगर किसी की डेटा को अगर डिटेक्ट करना है कलेक्ट करना है तो बस कुछ नहीं करना है तो फ्रॉड डिटेक्शन के नाम पर भैया एक केस दर्ज करिए उसी के नाम पर उसका पूरा डेटा सुन लीजिए जबकि वास्तव में देखिए आप किसी का डेटा अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है भाई हमारे यहाँ तो एक डेमोक्रेसी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लोकतंत्र है हमारे यहाँ मानो मानवाधिकार यानी मानव का अधिकार उसे भी है जो मानव का कार्य नहीं करता है जो कुकृत्य कुकर्म कु दुष्कर्म जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस हैं सब करके बैठा है फिर भी वो डिमांड करता है ह्यूमन राइट की ठीक है तो ऐसी कंडीशन में आप इस चीज़ का गलत प्रयोग कर सकते हैं लेखक का ऐसा ओपिनियन है विचार है लेकिन अब क्या करेंगे देखिए ये सब तो है इसीलिए कहा जाता है पावर एंड फिलॉसफी ठीक है अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पावर आए तो वो व्यक्ति दार्शनिक होना चाहिए क्योंकि अगर वो व्यक्ति दार्शनिक नहीं होगा अगर वो व्यक्ति उदार नहीं होगा तो पावर का दुरुपयोग कर सकता है क्योंकि पावर बहुत ताकतवर बना देता है ठीक है जैसे आप कहिए कि मछली को जल में छोड़ दें अब आप कहिए तुमको पानी नहीं पीना है तो क्या मछली को पानी पीने से आप रोक सकते हैं तो इसीलिए जैसे इस पर बहुत सारे विद्वानों का यह अपना ओपिनियन है कि करप्शन वैसे ही होता है जैसे कि पानी पानी में मछली कि अगर कोई भी अधिकारी अपने पावर का प्रयोग करना चाहे तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि आपके क्षेत्र का पुलिस भी अगर आप रात में वो दिन में आप अपने घर में सो रहे हों और वो आए और आपको उठा के ले जाए गिरफ्तार करके और एफ में लिख दे कि आज रात में दो बजे इनको हम गांव के सबसे कोने वाली सड़क के पुलिया पर दो जिंदा कारतूस और आधा किलो गांजा के साथ पकड़े तो फिर आप सफाई नहीं दे पाएंगे वही मान्य होगा और वही चलेगा या तो फिर आपके पास भाई हर जगह कैमरा लगा हो आप प्रूफ दे दीजिए और कैमरा लगा होगा तो ऐसा फिर वो लिखेगा भी नहीं ठीक है तो यही इनका कहना है देखिए आगे एक्सटेंडिंग फ्रॉम केसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन डिटेक्ट वर्ड के बारे में यहां बच्चों थोड़ा सा समझिए मैं इसका डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर ये है क्या डिटेक्ट वर्ड देखिए डिटेक्ट होता है खोज डिटेक्ट detect, खोज डिटेक्शन इसी से बना है खोजना अब यहां पर आप ये कहेंगे कि आखिर एक डिस्कवर भी होता है और एक इन्वेंट भी होता है और एक सर्च भी होता है एक एक्सप्लोर भी होता है इतने वर्ड आते बच्चों और एक वर्ड बच्चों सीख होता है Seek जो कहलाता है वो try to get है वो ट्राई टू गेट होता किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना ट्राई टू गेट बाई मेकिंग एन इफर्ट बाई मेकिंग एन इफर्ट जब आप किसी चीज का भाई देखिए हम सब लोग बहुत कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम लोग पाने का प्रयास कर रहे हैं तो हाथ पर हाथ रखकर नहीं हाथ से हाथ मिला के और अपने हाथों का भरपूर प्रयोग करते हुए अब ये थोड़ी है कि हम हाथ पे हाथ रख के प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई देख रहे हों कि भाई मेरे भी दिन कब आएंगे ठीक है मेरे भी दिन आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा अब ऐसा थोड़ी है कि अब आजकल आप लीड लगा के गाना बजा ली मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा नौकरी करना पड़ेगा ठीक है ना फिर जाकर कहीं ना कहीं बैंड बाजा करना पड़ेगा जितना सारी चीज़ें पैसा कमाएंगे तभी तो दिखाएंगे ना तो ये सब ट्राई टू गेट बाय मेकिंग एन एफर्ट का पार्ट है यहाँ पर आपको इसी वर्ड के बारे में ध्यान देना है एक्सप्लोर सर्च इन्वेंट डिस्कवर डिटेक्ट अगर इनको हम हिंदी में कह दें तो सिंपल सा इन सब का मतलब होता है खोजना पहले तो देखिए डिस्कवर क्या है डिस्कवर अपने आप में ये कहलाता है फाइंड आउट समथिंग ये टू फाइंड होता है बट टू हम नहीं लिख रहे हैं फाइंड आउट समथिंग फाइंड आउट समथिंग दैट वॉज दैट वॉज या इज दोनों कह सकते हैं इज ही लिख देता हूं बच्चों ताकि आप डाउट न रहिए दैट इज ऑलरेडी दैट इज ऑलरेडी इन एक्जिस्टेंस दैट इज ऑलरेडी इन एक्जिस्टेंस उस चीज़ को पाना या खोजना जो पहले से अस्तित्व में है जैसे भारत की खोज ये डिस्कवर है कि ऐसा नहीं था कि वास्को डिंगामा आया तो मिट्टी लाया और एशिया में आया यहाँ प्रशांत हिंद महासागर में आया तो हिंद महासागर में ट्रैक्टर लगवाया जेसीबी लगवाया और लगा मिट्टी गिरवाने मिट्टी गिरवा गिरवा के गिरवा गिरवा के उसने एक नया द्वीप बना दिया इंडिया ऐसा कुछ नहीं इंडिया था कोलंबस अगर अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका था ठीक है और एक होता है इन्वेंट इनबेंट क्या होता है इनबेंट होता है फाइंड आउट समथिंग फाइंड आउट समथिंग दैट वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व में नहीं था बच्चों मोबाइल फोन साइकिल कार बस ट्रेन बल्ब ये सब क्या हैं ये डिजिटल बोर्ड ये सब इन्वेंट हैं ये सब खोज हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अस्तित्व में नहीं थी और एक आपका आता है सर्च सर्च क्या होता है फाइंड आउट लॉस थिंग ये एग्जाम में आता नहीं है वैसे बच्चों सर्च बाकी भले ही वो कंफ्यूज आपको करवा दे फाइंड आउट लॉस थिंग हम सर्च कहलाता है अब देखिए एक्सप्लोर क्या होता है एक्सप्लोर होता है पता लगाना एक्सप्लोर होता है टू फाइंड या गेट समथिंग बाई मेकिंग एन एफर्ट बाई मेकिंग एन एफर्ट एक तरीके से ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रिलेट करता है किससे करता है इससे करता है सीख से तो एक्सप्लोर का मतलब भी होता है पता करना जैसे लोग बोलते हैं ना भाई एक्सप्लोर योर कैपेसिटी भाई आप ये बताइए आपकी इस भुजा में कितनी ताकत है आप कितना उठा सकते हैं भैया आप अपनी कैपेसिटी को एक्सप्लोर तो करो आप जब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं तो कहाँ कुछ कर पाएंगे आप सुबह उठिए जाइए पहले 100 मीटर दौड़िए फिर 200 मीटर दौड़िए फिर 500 मीटर दौड़िए और उसके बाद अगेन तो पाँच दिन बाद एक किलोमीटर दौड़िए दो किलोमीटर दौड़िए तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप उस बोल्ट को पीछे कर देंगे उसन बोल्ट आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे प्रभु कहाँ थे अभी तक आप बहुत आगे आप तो हैं लेकिन आप अपनी क्षमता को एक्सप्लोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आज भले ही आप थोड़ा सा है कल आप ज्यादा होंगे कल आप और ज्यादा होंगे और जितनी कैपेसिटी आपके पास होगी आप अपनी कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज और यूटिलाइज कर लेंगे बट बहुत सारे लोग हैं आज के हमारे युवा से एक सबसे बड़ी शिकायत है हमारे पूर्वज नौ बजे सो जाते थे चार बजे उठते थे वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते थे आप अपने पूर्वज के बारे में हम सब अगर याद करें तो यही कहते थे कि घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या खाएंगे तो वो एक गाय या एक भैंस की ज़रूर व्यवस्था करते थे कि दूध आएगा और वो सुबह उठकर सबसे पहले उनका तरीका होता था कि किसी भी चीज़ पर दूध पे वो चाय नहीं पीते थे वो दूध को महा तो चाय तो अंग्रेज़ों ने यहाँ सिखा के चले गए और सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग स्वस्थ थे और आप देख सकते हैं कि हमारे जो ज हैं, वो अस्सी साल तक नब्बे साल तक सौ साल तक आराम से जिए आप बच्चों जरा अपने पिताजी की उम्र पर आ जाइए आप अपने पिताजी की उम्र पर आ जाइए आपके पिताजी या हमारे पिताजी सौ साल जीवित रह जाएं बहुत बड़ी बात है आप देख सकते हैं कि ये जो औसत जो आपकी लाइफ है ये बहुत ज़्यादा कम हो गई है और अगर हम लोग अब अपने एज पर आ जाएं ना तो देख लीजिएगा इसमें तो सत्तर साल में ही आदमी चल बस रहा है और वो पचास साठ साल में ही जीने की आश छोड़ देता है क्योंकि ना कहीं ना कहीं शुगर हो गया किडनी हो गई हार्ट डिजीज हो गई बहुत सारी उसको प्रॉब्लम अपने आप आ जाती हैं रीज़न क्योंकि आजकल वो लेट नाइट तक 12 एक दो तीन बजे तक जागता है 10 बजे तक 11 बजे तक वो सोता है उसकी लाइफ स्टाइल चेंज है और उसकी लाइफ स्टाइल नेचर के बियॉन्ड है वो नहाता तो है बट एक छोटे से बाथरूम में जहाँ बंद है कोई हवा नहीं कोई ऑक्सीजन नहीं आती गांव में आप देखिए कि अगर सही से वर्तमान समय में अगर आप सुबह आठ बजे उठ के आज की डेट में बच्चों आप फील कर लीजिएगा आप पढ़ने वाले छात्र हैं आप गांव में सुबह आठ बजे उठ के नल पर अगर आप नहा लीजिए ना तो आज इतना ठंडा पानी है कि आपको ठंडी लग जाएगी और यही आप चले आइए प्रयागराज और यही चले जाइए दिल्ली मुखर्जी नगर जहाँ भी आप तैयारी करते हों और वहीं के कमरे में आप आठ बजे उठ के सुबह नहा लीजिए लगता है कि कुछ लगा ही नहीं इतना कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो चुका है वाटर का इन्वायरमेंट का सिनेरियो का डिग्रेडेशन हो चुका है तो कम से कम वैल्यू ऑफ लाइफ आप लोगों को बनाना चाहिए वैल्यू ऑफ लाइफ एजुकेशन ऑफ लाइफ शिक्षा का जो मूल्य है वो होना चाहिए जरूरी है ठीक है तो इस पर एग्जाम में आता है अब आप ये कहेंगे डिटेक्ट क्या है <coughs> तो डिटेक्ट क्या होता है बच्चों ये होता है टू गेट इंफॉर्मेशन टू गेट इंफॉर्मेशन या टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सूचना को जो हम पाने का कार्य करते हैं उसके लिए प्रयोग किसका करते हैं डिटेक्ट का और इसका प्रयोग जासूसी से भी रिलेटेड होता है बच्चों जासूसी से भी रिलेटेड होता है तो देखिए जैसे पुलिस खोजी कुत्ता लेकर आती है डिटेक्टिव डॉग वो आता है सोचता है कि इंफॉर्मेशन कैसे मैं कलेक्ट करूँ क्या हुआ कैसे हुआ और किसी भी तरह की वो चीज़ों को जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ भी कोई घटना होती है तो एक आप एफ आई आर लिखेंगे एन सी आर वो आएगा पुलिस वाला पूछेगा हाँ क्या हुआ कैसे हुआ तो वो जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले कलेक्ट करता है उसके बाद चीज़ों को डिसाइड करता है तो इतनी चीज़ें वर्ड्स आते हैं डिटेक्ट डिस्कवर इन्वेंट सर्च एक्सप्लोर सीक वैसे एग्जाम में सर्च नहीं आता बाकी सब आते हैं बाकी और सबसे ज्यादा इन दोनों में तो डिस्कवर और इन्वेंट में अक्सर कंफ्यूज करा देता है समझ रहे हैं डिटेक्ट की स्पेलिंग क्या है देखिए मैंने लिखा तो है डी ई टी ई अच्छा थोड़ा सा ये सी नहीं होना चाहिए था डिटेक्ट है डी ई टी ई सी टी ठीक है थैंक यू बच्चे हमारे बहुत बढ़िया हैं सही कर दिया अभिषेक मैंने सही कर दिया डिटेक्ट चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं ब्लैक कर देता हूं चलिए क्लियर अब देखिए फिर क्या हुआ आगे समझते हैं पैसेज को एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल एंड सर्विलांस एक्सटेंडिंग फ्रॉम केसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन ठीक है ना यानी जासूसी की चीज़ों को फ्रॉड बेईमानी की चीज़ों को जानने के लिए वो ऐसा करते हैं स्टोरेज एंड चेंज ऑफ क्रिमिनल यानी किसकी किसकी बात कर रहा है वो ऐसा क्यों करते हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम केसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन और क्या चाहते हैं स्टोरेज स्टोर करते हैं एंड एक्सचेंज और आदान प्रदान करते हैं क्रिमिनल आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड का और वित्तीय रिकॉर्ड का टू टू दो पॉलिटिकल सर्विलांस उनको ठीक है ना उनको उनको जो राजनैतिक सर्विलांस एंड कंट्रोल समझ रहे हैं ना इनका कहने का मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनियां डेटा को डिटेक्ट करके रखती हैं स्टोर करती हैं और आपस में आदान प्रदान करती हैं क्रिमिनल और वित्तीय रिकॉर्ड का उनको जो राजनैतिक सर्विलांस और नियंत्रण का कार्य करते हैं जो राजनीतिक सर्विलांस और कंट्रोल का कार्य करते हैं भैया आप खुद बताइए पुलिस अगर चाह ले तो आप देख सकते हैं कि विकास दुबे को भी खोज के लाती है और सारा काम कर डालती है उसके पास इतने संसाधन हैं कि किसी को भी ट्रेस कर सकती है और ये जो डेटा है दो तरह से प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर चाहें तो एक दूसरे को डिटेक्ट यानी कुल मिलाकर लेखक को यहां इस बात का बहुत है है। कि डेटा का हो रहा चलिए देखते हैं आगे क्या कहना है इनका अभिषेक मनु सिंह भी हैं ये एक सीनियर लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस ये कांग्रेस के नेता भी हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हुए हैं ठीक है ठीके? उन्हीं की यह मुद्दा है सिटीजन नागरिक हु रिसीव हु पूर्ववर्ती को क्वालिफाई किया प्लूरल है इसीलिए रिसीव लिखा हु रिसीव अ फ्लड ऑफ जो प्राप्त करते हैं अ फ्लड एक बाढ़ ऑफ अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन यानी जो पाते हैं अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन अनफिल्टर्ड समझ रहे हैं बच्चों यानी फिल्टर का मतलब ये होता है फिल्टर जैसे हम लोग कहते हैं ना फिल्टर का पानी पी रहे हैं उसको शोधित करके संशोधित करके और शुद्ध करके पी रहे हैं और अनफिल्टर्ड का मतलब ना तो शोधित है ना तो संशोधित है ना तो शुद्ध है शोधित का मतलब हमने शोध उस पर किया ये सही ये गलत और संशोधित मतलब हमने गलत को आउट किया सही चीज़ों को अंदर रखा और शुद्ध का मतलब जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है हमारे लिए अच्छा है यानी हमको इससे कोई नुकसान नहीं है तो शोधित संशोधित शुद्ध यानी हम सब लोग बहुत अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन पाते हैं और फिर आगे क्या है इंफॉर्मेशन विथ कलर और इन्फॉर्मेशन विथ कलर पाते हैं सूचनाएं पाते हैं विथ कलर हम बच्चों इसका प्रश्न आपसे जरा पूछेंगे इंफॉर्मेशन विथ कलर का क्या मतलब है जरा आप सब लोग कमेंट करके बताइए प्लीज ये बात मैं आप लोगों से थोड़ा समझूंगा कि सेंस ऑफ लैंग्वेज आप लोगों के अंदर डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है मैं ये जानना चाह रहा हूं सेंस ऑफ लैंग्वेज आपके अंदर डिपेंड होना चाहिए बच्चों कुछ नहीं है ना फ्रेज रटना है ना वर्ड रटना है ना ग्रामर रटना है बस सेंस ऑफ लैंग्वेज आपको डेवलप करना है क्योंकि देखिए इंग्लिश जो एग्जाम में आती है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछता है अगर एक सेकंड के लिए इंग्लिश को हटा दीजिए तो लैंग्वेज पूछता है बस बस अंतर यह है कि वो लैंग्वेज इंग्लिश में होता है बस इतना सा फर्क है तो आपको ऐसे में सेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर सेंस ऑफ लैंग्वेज आपके अंदर डेवलप है तो डेफिनेटली आप चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं ठीक है सेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है इंफॉर्मेशन विथ कलर प्रतेश ने कुछ लिखा है बट आपने तो वही चीज़ रिपीट कर दिया जो उसमें दिया गया है रिपीट नहीं करना है मैं पूछ रहा हूँ इसका अभिप्राय क्या है कहानी बनाकर बताना यस गोस्वामी ने एक इफर्ट अपना लगाया जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ अपने हिसाब से डालना और निकालना आनंद शर्मा ट्रू इन्फॉर्मेशन अभिषेक मीन नॉट अवेलेबल करेक्ट इंफॉर्मेशन ये विष्णु चैलीज क्या है पहली बात तो नाम भी अपना नहीं लिखे हो और सिंबल बना के भेज दिए हो मीन्स दैट थिंग्स विच आर इन अ ब्रॉड लेवल विच इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिजेश मीन्स दैट थिंग्स विच आर इन अ ब्रॉड लेवल which is not most important as in <coughs> as examples supriya information comes with something right and wrong catch red handed ये बताइए बच्चों honestly आप लोग बताइएगा ये अपने मन से बता रहे हैं या सर्च और रिसर्च कहीं कर रहे हैं आप क्योंकि इतना ज्यादा आप लोगों के मुद्दे में भटकाव आ रहा है बातों को मुद्दे से हटकर बातें करना नहीं ये तो आप सब लोगों ने पूरी तरीके से अगर आप लोगों को कोई कमेंट देख ले तो कमेंट देखने के बाद तो वो और कंफ्यूज हो जाएगा आखिर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन विथ कलर्स भाई हमने आपको एक सूचना दिया ठीक है और वो सूचना बढ़िया विथ कलर्स रंगों से भर दिया हूँ तो इसका क्या मतलब है देखिए, बच्चों इसका जो मतलब है ना यहां पर जो आप लोगों ने लिखा ठीक है बहुत बढ़िया अप्रीशिएबल है आप लोगों का इफर्ट बहुत बढ़िया आप सब लोगों ने इफर्ट लगाया किसी मुद्दे पर बात करना ठीक है देखिए देखिए यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि यह अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन देते हैं तो पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जो टोन आ रहा है वो प्लीजेंट नहीं है अनप्लीजेंट है कभी भी इस तरह की जब चीज़ें आए तो सबसे पहले पढ़ते हुए एक लैंग्वेज के छात्र को एक भाषा के छात्र को क्या करना चाहिए पहले आप उसका मीनिंग सेंस और टोन को डिसाइड कर लेना चाहिए तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया है अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन फिर दिया है इन्फॉर्मेशन विथ कलर यानी सूचना देते हैं विथ कलर कलर का मतलब रंग से भाई देखिए हमने जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं सूचना दे रहा हूँ तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी उसमें हम कब अपने रूप में ढालकर उसे परोस देंगे अब आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं हर व्यक्ति सूचना को अपने अपने अनुसार दे रहा है अपनी जरूरत अपनी समझ ठीक है ना भाई आप देखिए जैसे कि अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा आया था हमारे यहाँ स्मोकिंग का विरोध किया जाता है कि भाई स्मोकिंग ना करिए तो अभी पता है अभी एक ई सिगरेट आ गया है सिगरेट यानी सिगरेट की आदत छुड़ाने के लिए ई सिगरेट पीजिए भैया अगर हमको सिगरेट ही पीना है तो उसको छुड़ाने के लिए ई e सिगरेट हम क्यों पियेंगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए वो इन्फॉर्मेशन बिथ कलर का पार्ट है यानी अपनी तरफ से उसको रंग कर अपनी बातों को अपनी विचारधारा को और अपनी सोच को अपने थॉट को ओपिनियन को जोड़कर सूचना को प्रस्तुत करना कुछ ऐसा कहना चाह रहा है वो ठीक है बट नो पैटर्न लेकिन जिसका कोई पैटर्न नहीं है कहने का मतलब वो सूचना तो देता है भी बात समझिए जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सपोज करिए एक सौ पचासवीं वर्ष गांठ कोर्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का मनाया गया अब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए अब अगर यहाँ पर उन लोगों को कहा जाए कि सभी जजेस बैठे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अब अगर किसी से भी कह दीजिए कोई जो नेता टाइप के व्यक्ति हों आप उनसे बोलिए इंफॉर्मेशन यहाँ जाइए कुछ भाषण दे दीजिए तो नेताजी भाषण क्या देंगे आप लोग अच्छे से फैसला दीजिए सोच समझ कर दीजिए पढ़ कर दीजिए किसी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा भैया दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन वो जजेस हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं उनके सामने अब आपको कुछ बातें को रखना होगा अब पता लगा वहां फालतू के मुद्दे को आप रख कर आए इंफॉर्मेशन विथ कलर देके आए बट नो पैटर्न जिसका कोई पैटर्न ही नहीं था जिसका कोई प्रारूप ही नहीं था <coughs> आगे क्या है इंफॉर्मेशन विथ इमेज इमेजेज ऐसी सूचनाएं जिनमें इमेज हो दैट कैन नेबर एडअप जो कभी ना जो जो कभी ना जोड़ती हूं द रियल पिक्चर वास्तविक चित्र को और जो कभी भी इसी को इसी को कहा जाता है मेटाफर लेखक यहां कुछ ऐसी चीज़ों को लिखता है जिसमें वो करके रूपक अलंकार को लिखता है और फिर क्या करता है रिसर्कुलेट इन्हें प्रचारित करता है आप देख सकते हैं वर्तमान समय में भाई एक कॉमन सेंस की बात है मेरी बात को आप राजनीति से मत जोड़िएगा बच्चों क्या लगता है कि अखिलेश यादव टोटी चुरा सकते हैं लेकिन अखिलेश यादव टोटी चोर हो गए ठीक है क्या लगता है कि राहुल गांधी चुनाव हार गए तो उनका कुर्ता फटा था जेब में हाथ डाले हो, कुर्ता फटा था उसकी बात वो करते हैं वास्तव में आप जान लीजिए ना, अगर गांव का कोई एक साल पा, एक बार पाँच साल के लिए प्रधान भी हो जाता है ना, तो उसका कुर्ता कभी फटता नहीं आप जिस गांव में रहते हैं वहां से आप खुद कंपेयर कर सकते हैं खुद देख सकते हैं क्या लगता है कि राहुल गांधी वास्तव में दुनिया का वो टॉप टेन यूनिवर्सिटीज जहां लोगों का पढ़ने का शौक़ होता है पूरी दुनिया का भारत की तो बात ही छोड़ो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम बात करते हैं वहां से पढ़ के आए हैं और क्या लगता है कि वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि एक मशीन लगाएंगे इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकल जाएगा वो ऐसा बोलेंगे आज की जो बैठे हैं ना ये मीडिया या जो बैठे हैं सोशल मीडिया वाले ये सब बस बात पकड़ते हैं बात पकड़ के कुछ यहाँ की काटे कुछ वहाँ की काटे भाई आजकल हम तो लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं बच्चों जो वीडियो कहिए मैं उस वीडियो की एडिटिंग कर दूँ एडिटर हमारे यहाँ बैठे हैं ये इनको जैसा आप ऐड करवाना वैसा ऐड करवा दीजिए कहिए तो ये हमारे सर पर मैं बोल रहा हूँ ना सेम यही सारी चीज़ें हों इसी को मेरे हेड को बदल देंगे बाकी सब पीछे का डिस्प्ले यही रहेगा तो ऐसा आज के समय में आ गया है तो वही ये कह रहे हैं तो वास्तव में इतने बेवकूफ़ नहीं है सब समझदार है <coughs> लेकिन लोग क्या करते हैं अगर किसी को हराना हो तो व्यक्ति व्यक्तित्व की बात मत करिए व्यक्ति की बात कर लीजिए और अगर व्यक्ति हार जाएगा तो व्यक्तित्व तो हम सब बच्चे शेयर करते हैं मजा आती है ठीक है कोई चुनाव हार गया तो पता लगा उसके जूते चप्पल की माला पहना के फेसबुक पर डाल दीजिए शेयर कर देंगे कुछ लोग लाइक करेंगे कमेंट करेंगे भैया कुछ नहीं बिगड़ेगा यही सब तो देख के एक्सप्लोर करके इसी सब को सर्च और रिसर्च करके अंग्रेजों ने समझ लिया था कि भारत पर शासन करना कितना आसान है ये आपकी मेंटल लेबल को शो करता है वास्तव में ऐसी बातें तो आप सब कॉमन पीपल नहीं बच्चों आप सब देश के भविष्य हैं आप इंटेलेक्चुअल पीपल हैं तर्क करिए रेशनेल करिए कसौटी पर उसे खरा रूप में आप तोलिए और जो बातें खरा रूप में आए और एक लोग नहीं सौ so, लोग अगर किसी बात को भी कहें तो आप मत मानो क्योंकि कॉमन लोग वही होते हैं कि चार लोग कहेंगे तो आप मानेंगे फिर कुछ लोग कहते हैं भाई चार लोग कहेंगे तो मान ही लेंगे भैया चार नहीं तुम चालीस कहो काहे मानेंगे हम तर्क करेंगे ना इसका रीज़न दीजिए इसका रीज़न दीजिए अगर हमको समझ में आ गया तो हम एक लोगों के कहने पर भी मान लेंगे और नहीं समझ में आया ना तो हम चालीस लोग के कहने पर भी नहीं मानेंगे अब आपको कोई सवाल ना आए कोई भी क्वेश्चन ना आए तो मैं आपसे ये कहूँ चार लोगों से समझवा दूँ तो समझ में आ जाएगा अब चार लोग आए बता दे ऐसे 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 लगेगा तो क्या समझ में आ गया तो आप बोलेंगे भैया चार लोग नहीं चालीस लोग समझा दीजिए हमारे जब समझ में नहीं आ रही है तो हम सवाल कहाँ से लगाएंगे खुद पर भरोसा रखिए यही सबसे पहला लाइन इसका था कि सबसे पहला धोखा खाने का वर्ड ही वही है जो भरोसा करता है सबसे पहले शुरुआत यहीं से किया हूँ बच्चों आगे देखिएगा रिसर्कुलेट या पुनः प्रचारित करता है द सेम द सेम ऐसे ही को द सेम बैक इंटू द बैक इंटू द यानी वो वापस ले जाकर पुनः प्रचारित करता है बैक इंटू द इन्फेंटाइल सैसवा काल में इन्फेंटाइल इन्फेंट से बना है इन्फेंट सैसो शिशु अवस्था सैसवा काल में सैसवा काल के संसार में ले जाता है फॉर ग्रेटर ग्रेटर कैश यह होता है चैश अराजकता यह इस बड़ी अराजकता के रूप में यह सैसवा काल के संसार में ऐसी स्थिति में ले जाकर पुनः प्रचारित करता है रिजल्टेंटली परिणाम स्वरूप रिजल्ट से बन गया है रेजलटेंटली परिणाम स्वरूप इंफॉर्मेशन फिर क्या होगा परिणाम स्वरूप इंफॉर्मेशन सुपर हाईबेज यानी इन्फॉर्मेशन सुपर हाई बेज ठीक है यानी इन्फॉर्मेशन सुपर हाईवेज उसने इसको देखिए क्या किया डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यानी उसने इसको एक तरीके से वो ओरिएंटेड कर रहा है निश्चित कर रहा है कि सूचनाएं सुपर हाईवेज और सुपर हाईवेज मतलब क्या देखिए लिख रहा है क्वाइंड बाई द यूएस क्वाइंड बाई क्वाइन का मतलब होता है जो बनाया गया क्वाइंड बाई द यू एस अमेरिका के पोस्ट्रॉफी लगा है अमेरिका के आलमोस्ट ज्यादातर प्रेसिडेंट यानी ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट यानी ज्यादा प्रेसिडेंट एल गोर एल गोर इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र में आर लीडिंग टू नेतृत्व कर रहे हैं रीट्राइबलाइजेशन रिट्राइबलाइजेशन पुनः आदिवासियों की ओर अस्थायित्व तो करने का वह नेतृत्व तो कर रहे हैं आप पॉलिटिक्स का इन इनकेबल्स एंड कैकोंस केबल्स केबल्स मतलब बच्चों वही जो आजकल हम लोग देखिए शहरों में कहते हैं ना भैया केबल आपके यहाँ है तो बोलते हैं हमारे हमने तो डिस्क डिस्क लगवा लिया है के पहले क्या चलता था केबल चलता था एंड कोकुंश कोकुंस को प्लोरल नंबर में बनाया है और ये जो कोकुंस होता है कोकुंस कोकुंस का मतलब क्या होता है कोकुंस का मतलब वैसे इसे कहते हैं बच्चों ये तत्व है इसे कोया कहते हैं या रेशम का कच्चा कोया रेशम का कच्चा कोया जो संचालित करता है वाइल्ड जबकर जबकि जानबूझ कर इरादतन आर फास्ट ट्रांसफॉर्मिंग तेजी से परिवर्तन कर रहा है इन टू कंसल्टेशंस कंसल्टेशंस परामर्शदात्रियों के बीच में एमंग कंप्यूटर सिस्टम्स कंप्यूटर सिस्टम के बीच में यानी कंप्यूटर सिस्टम के बीच में परामर्श के माध्यम से या जानबूझकर तेजी से परिवर्तन करते हुए केबल और कैकोन्स में परिणाम स्वरूप यह रिट्राइबलाइजेशन को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है यानी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को अपनी विचारधारा को आज मीडिया के माध्यम से वह हम सब पर पुनः पुनः हाँ, हैबिटेलेट का कार्य कर रहा है एंड वेयर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी आर इल्यूजन ठीक है ना फेयर जहां पर जहां पर ट्रस्ट भरोसा और सुरक्षा आर इल्यूजन एल्यूजन एल्यूजन मतलब भ्रम यही ध्यान रखिएगा एल्यूजन मतलब भ्रम भ्रम मतलब क्या मिथ्या झूठा दिखावा समझ रहे हैं ना यानी जहाँ पर यह भरोसा करना और सुरक्षा करना एलिविजन से भ्रम है वही बात जो लेखक ने सबसे पहले शुरू किया कि आपने भाई वही है ना दिल लगाया था तभी तो टूटा ना लगाया ही ना होता भरोसा किया था तभी तो टूटा ना तो वही बात ये हो रही है कि जहाँ ट्रस्ट और सिक्योरिटी भ्रम है वास्तव में ये अपने मुद्दे अपने विचार और अपनी आइडियोलॉजी आप पर थोप पर संचालित करने का कार्य कर रहे हैं इसलिए इन पर सच मानना और इन पर भरोसा करना और सुरक्षा का विश्वास करना मिथ्या है भ्रम है यहाँ पर ट्रस्ट की बात हो रही है बच्चों ट्रस्ट का भी एक में वर्ड्स यहाँ पर नोट कर लीजिएगा सबसे छोटा वर्ड होता है बिलीव, फिर वर्ड होता है ट्रस्ट और फिर वर्ड होता है फेथ ये इसी क्रम में होता है सबसे छोटा वर्ड इससे बड़ा वर्ड ट्रस्ट और इससे बड़ा वर्ड फेथ बिलीव क्या है सीइंग इज बिलीविंग सीइंग इज बिलीविंग देखना ही विश्वास है जो दिखे वही विश्वास है जो ना दिखे उस पर विश्वास नहीं है भाई जैसे कहा जाता है ना कि आप जो दिखाएंगे हम वही मानेंगे अगर आप कुछ दिखा नहीं पाएंगे तो हम कुछ मानेंगे नहीं आप चाहते कि मैं भरोसा करूं तो आप दिखाओ भैया नहीं दिखा पाए मैं नहीं मानूंगा तो इसे कहते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग और ट्रस्ट क्या होता है ये आँख बंद करके होता है अबस होता है ठीक सिंपल से समझिएगा ये जो होता है आँख खोल कर होता है यानी ये भक्त हैं लेकिन अंध भक्त टाइप के लोग नहीं हैं ये कॉमन पीपल नहीं है ये इंटेलेक्चुअल हैं जो चीज़ों को अपने तर्क पर तोलते हैं अपनी तराजू पर तोलते हैं ट्रस्ट अब अस्ट्रैक है ये आँख बंद करके होता है जैसे लोग बोलते हैं ना जैसे हम पर आप पर बिलीव तो बहुत है भरोसा बहुत है लेकिन एक दिन रात को 11 बजे फोन मिलाया तो वेटिंग कॉल चला गया और जैसे वेटिंग कॉल गया बस एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया और लगे पूछा किससे बात कर रहे थे कहाँ कर रहे थे यानी ट्रस्ट नहीं है अरे ठीक है रात को 11 बजे भी अगर फोन वेटिंग गया तो आप प्रेम से पूछ सकते थे क्या जी आज कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था क्या बहुत ज्यादा जरूरी बात किसी से फंस गई थी क्या तो प्रेम से बताता कि हाँ आज एक ऐसा मुद्दा हो गया था और ये ये जरूरी था आपको ट्रस्ट है लेकिन अगर आपने भरोसा नहीं डेवलप किया ना ट्रस्ट नहीं डेवलप किया तो धोखा कब मिल जाएगा वो आप समझ भी नहीं पाएंगे तो ये अबस्ट्रैक होता है और ये आँख बंद करके होता है ठीक है आँख बंद करके ये होता है और विश्वास का सबसे बड़ा वर्ड फेथ होता है फेथ ये सबसे बड़ा वर्ड है और इसका जो हम प्रयोग करते हैं अमूनन किस पे करते हैं ईश्वर पर करते हैं अपने पेरेंट्स पर करते हैं भाई मम्मी जब चाहे खाना में जहर मिला दे कोई रोक थोड़ी ना सकता है बस बना के मिला के खिलाना है बस जय श्री राम के बजाय हे राम आप हो जाएंगे ठीक है और गॉड पर हम करते हैं बाकी अगर आप कहना चाहें तो भाई टीचर पर भी आ जाते हैं लेकिन मॉडर्न एट के टीचर पर कोई भरोसा नहीं है आधुनिक एक के टीचर आजकल वो पहले ही बोलते हैं कि देखे यार तुमने मुझको पैसा दिया है मेरा और तेरा संबंध बस इतना सा है कि तुझको पढ़ना है मुझको पढ़ाना है ये तेरी फीस है और ये मैं पढ़ाऊँगा मेरे अंदर एक नॉलेज है उस नॉलेज को लेने के लिए तुमने पैसा दिया है ऐसे ही बोलते हैं आप देखिए ना मेरा तेरा करके बोलते हैं ठीक है जबकि वास्तव में पहले के समय में गुरुकुल प्रणाली में एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता था एक बहुत अच्छा रिलेशन होता था बट अब ये प्रोफेशन हो गया है प्रोफेशन में यहाँ पर रिलेशन देखिए आजकल का टीचर पढ़ा या ना पढ़ा पाए लेकिन यूट्यूब पे देख रहे हैं रात में सुबह सात बजे से शुरू होता है शाम सात मतलब पूरा चौबीसों घंटे ट्वेंटी फोर आवर्स क्लास चला रहे हैं सब पूरा कंफ्यूज कर रहे हैं एक गणित आती है उसको एक इंग्लिश आती है एक रीजनिंग और एक जी आती है बस ये प्रैक्टिस फलाना प्रैक्टिस यू प्रैक्टिस पुलिस प्रैक्टिस जेल वार्डन एन ये बैच वो बैच सब डाल के बच्चा कन्फ्यूज है बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि पहले हम वास्तव में मैथ इंग्लिश रीजनिंग जी हिंदी कंप्यूटर पढ़ लें और जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाएँ कि वास्तव में बच्चा यही सोच रहा है किसी वैकेंसी पर चले जाएँ अब आजकल का बच्चा वैकेंसी ओरिएटेड हो गया वो वैकेंसी भागेगा अभी यू आ जाए यू <coughs> भागेगा लंबाई चौड़ाई गुड़ाई अगर उसके अंदर लंबाई चौड़ाई और अगर ऊंचाई में कमज़ोर होगा तो बच्चा लेखपाल पर भागेगा फिर मान लीजिए परीक्षा दिया यहाँ नहीं हुआ तो फिर देखेगा कौन सा आया किसी अन्य वैकेंसी पे भागेगा फिर पता लगा एस एस पे भागा पता लगा बी आ गया वो भागता रहेगा ऐसे ठीक है लेकिन जो समझदार बच्चा होगा ना वो पता है क्या होगा मेहनत से शोर मचा रहा होगा किसी कोने में घर पर आराम से बैठा होगा और वो जम के सबसे पहले मैथ्स पढ़ रहा होगा और एकदम बढ़िया सा इंग्लिश पढ़ रहा होगा और मैथ्स के साथ रीजनिंग को जोड़ लिया होगा कि मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो चलो लगे हाथ रीजनिंग भी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद जम के वो बढ़िया अपना जी जनरल स्टडी पढ़ रहा होगा ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है इसके तो पाँच पाँच छः छः सेक्शन है अगर करेंट अफेयर्स को भी जोड़ लीजिए तो इसको पढ़ रहा होगा और अब उसको लगता होगा कि चलो हमें स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देना है तो लगे हाथ वो छोटा सा एक सिलेबस है हिंदी पढ़ रहा होगा सामान्य हिंदी आती है बच्चों सामान्य हिंदी जनरल हिंदी आती है बाकी कुछ आता ही नहीं है कि दो से तीन महीने का सिलेबस ही होता है पूरे भारत के चाहे जिस टीचर से आप पढ़ लीजिए ठीक है ठीके? और अगर कोई बच्चा बैंक देना चाह रहा होगा तो लगे हाथ थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ रहा होगा तो जीवन में एक विषय दो विषय तीन विषय चार विषय ठीक है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इतने में आप बॉस बन सकते हैं बॉस सबसे सर्वोच्च और अगर राज्य सरकार में आते हैं तो ये पढ़ लीजिए और अगर बैंक देना चाह रहे हैं तो बस इतना सा विषय है अब इतना पढ़ने में जितना समय आप लगा दीजिए और इतना पढ़ के आराम से सबसे पहले फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए जब आप फाउंडेशन बैच पढ़ लेंगे फंडामेंटल बैच पढ़ लेंगे तो आप खूब बढ़िया सा उसका कोर्स जान जाएंगे, आप सबसे बढ़िया सा उसका सिलेबस जान जाएंगे। अब जब आप फाउंडेशन पढ़ लिए तो जिस परीक्षा को देना हो बच्चों फिर उस परीक्षा के प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जब आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है उसका आप पैटर्न जान लीजिए और जब पैटर्न जान लेंगे तो क्वेश्चन हल करने का तरीका जान गए और अब बच्चों जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो जिस परीक्षा को देना हो उसका मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर गलती क्या है हम कहाँ सही कर रहे हैं कहाँ गलत कर रहे हैं हमारे अंदर सुधार कैसे होगा और मॉक टेस्ट में जहाँ जहाँ गलती पकड़ में आए वहाँ वहाँ क्रम से सुधार करते हुए चले जाइए जहाँ जहाँ गलती पकड़ में आए और जो सही हो उसे स्ट्रांग होल्ड बना लीजिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी नहीं गलत होंगे कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी गलत हो जाते होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे और धीरे धीरे दस बीस पच्चीस पचास अब आप देख सकते हैं जो एस एस का टॉपर हैं वो चार प्लस मॉक टेस्ट दिए हैं चार सौ प्लस मॉक टेस्ट दिया है बच्चों वो भी एग्जाम शुरू होने से महज छः महीना पहले सिक्स मंथ में उसने अब आप, आप सोच सकते हैं 180 दिन और 180 दिन में अगर 400 सौ मॉक टेस्ट है तो यानी अगर आप देख सकते हैं कि एक दिन में अगर आप देखें तो 18 तरीक चौहान अठारह दूनी छत्तीस यानी कि दो मॉक टेस्ट तो उसने दिया ही दिया है कभी कभी उस बच्चे ने तीन भी दिया होगा तब जाके ऐसा हुआ है हमारा बच्चा कुछ नहीं करता मॉक टेस्ट कुछ नहीं आजकल तो बस प्रैक्टिस पता लगा बी e. की प्रैक्टिस चल रही क्वेश्चन कहाँ से उठाए हैं कोई भरोसे नहीं है भाई क्वेश्चन तो पता लगा वही उठा लिए तो भैया रीजनिंग तो वही है ना क्वेश्चन वही है नंबर सिस्टम वही है बस नंबर बदला हुआ उठा क्यों कर रहे यही कारण है बच्चों सेलेक्शन नहीं है आसमान से गिरा खजूर पलट का ये ध्यान रखिएगा तो इस पैटर्न पर पढ़िए अब आगे अगर आपको अपने जीवन में अधिकारी बनना है बॉस बनना है तो ये सभी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी ये सभी चीज़ें छूट जाएंगी इनका जीवन में थोड़ा सा योगदान रहेगा जो सबसे बड़ा आपको बॉस बनाएगी वो क्या बनाएगी जी एस और जितने हायर लेवल पर जाएंगे आज देख सकते हैं यू का रिजल्ट आया हिंदी मीडियम वाली की बात हो रही है हिंदी विषय नहीं कि जो हिंदी पढ़ा है या जो अंग्रेजी पढ़ा है वो टॉप किया है हिंदी मीडियम वाले की जो रैंक है दो सौ यानी 216 बच्चे लगातार एक नंबर से लेकर 216 तक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेलेक्ट हैं यूपीएससी पी 2019 आई एस के रिजल्ट में हिंदी मीडियम वाला जो बेचारा आया है दो नंबर पर आया अब आप समझ सकते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि इन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ा है इन बच्चों ने इंग्लिश नहीं पढ़ा है इन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैं हिंदी नहीं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको लैंग्वेज में कुछ नहीं है सब वर्ड पावर पे रटिए फ्रेज ये सब सेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलप करिए बस अगर आपने सेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलप कर लिया तो चीज़ें समझ में आ गई भाई इन्फॉर्मेशन विथ कलर क्या है यानी एक सूचना है कलर कर दिया कलर करने का मतलब वास्तविक सूचना ना देकर उसको अपने अकॉर्डिंग हम तोड़ मोड़ करके परोस देंगे ये इन्फॉर्मेशन विथ कलर हो गया तो चीज़ों को ऐसे समझना है और ऐसे समझेंगे तो यू विल गेट सेलेक्शन वन डे श्योरली ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू एंड वंस अगेन जय हिंद जय भारत वंदे मातरम थैंक यू